वैशाली पुलिस ने हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएसपी संचालक से लूट एवं उसकी हत्या के आरोपित को किया गिरफ्तार। दरअसल पूरा मामला वैशाली जिले के हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान अपराधियों के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में बताया गया कि सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सदर थाना अंतर्गत दौलतपुर NH 22 के पास बंद पेट्रोल पंप से सटे कच्ची सड़क पर करीब 8 से 9 की संख्या में अपराध कर्मी अवैध अग्निशस्त्र के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस सशस्त्र बल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल की घेराबंदी कर दी। पुलिस वाहन को देख सभी अपराध कर्मी भागने लगे, जहां पुलिस बल के द्वारा भागते हुए अपराध कर्मियों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया, जिसमें कुल 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। वहीं गिरफ्तार अपराध कर्मी अविनाश कुमार ने पूछताछ के क्रम में बताया कि सदर थाना अंतर्गत पूर्व में घटित सीएसपी संचालक से लूट एवं हत्या की घटना को उसी ने अंजाम दिया था और सीएसपी संचालक को गोली उसके द्वारा ही मारी गई थी। वहीं गिरफ्तार अपराध कर्मी सुनील कुमार ने गहन पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा पानापुर गोराही मोड़ के पीछे हथियार के बल पर एक स्प्लेंडर प्लस बाइक सवार फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से सामान से भरा बैग लूट लिया गया था। गिरफ्तार चारों अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है। गिरफ्तार अपराध कर्मी गुरौल थाना क्षेत्र के विनोद कुमार राम का पुत्र अविनाश कुमार, विनोद कुमार राम का पुत्र विकास कुमार, रामाश्रय दास का पुत्र करण कुमार तथा सदर थाना क्षेत्र के चकबलाधारी निवासी लखिंदर पासवान का पुत्र सुनील कुमार बताया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस एवं मैगजीन बरामद किया गया है। वैशाली पुलिस द्वारा अपराधियों की धर्म पकड़ के लिए लगातार कार्रवाई की जाती है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आज हासिल हुई है, जिसमें कि सदर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हैं दौलतपुर पेट्रोल पंप के पास। उसकी उन्हें धर पकड़ करने के लिए DIO की टीम तथा सदर थाना की टीम को लगाया गया, जिसमें कि टीम द्वारा छापामारी करते हुए कुल 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया, जिसमें से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 7 गोली टोटल बरामद किया गया है उनके पास से। पूछताछ के क्रम में इसमें से 2 अपराधकर्मियों का पूर्व का आपराधिक इतिहास पाया गया है। उसमें से एक अपराधकर्मी जो हाल ही में लगभग 1 महीना पहले CSP लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें CSP संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसमें से मुख्य शूटर के तौर पर उसकी पहचान हुई है। उसका लंबा जो आपराधिक इतिहास भी मिला है और फुटेज से मिलान करने पर उसका पहचान स्थापित हुआ है। इस प्रकार उस घटना में एक महत्वपूर्ण शूटर की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अपराधकर्मी सुनील कुमार का भी आपराधिक इतिहास पाया गया है, जिसके विरुद्ध 4 कांड पुलिस से दर्ज है। उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उम्मीद है कि और भी कांड इनके विरुद्ध दर्ज होंगे। 2 अन्य अपराधकर्मी जो साथ में गिरफ्तार हुए, उनका आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है। उसका हम लोग आगे बचे हुए जो भी केसेस हैं उसमें छानबीन की जाएगी कि इनके विरुद्ध कोई कांड दर्ज है। सर, शूटर का नाम क्या है? शूटर मुख्य रूप से अविनाश कुमार है, जो कि गौरव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसकी पहचान हम लोग पूर्व में कांड का उद्भेदन हुआ था, उस समय भी इसका नाम आ चुका था, तो एक तरह से उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग पूर्व से भी प्रयासरत थे, तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें हासिल हुई। इसमें से कोई अपराधी ऐसा भी है जो पुलिस पर हमला कर चुका है पहले भी? पुलिस पर हमला करने का इसमें से अभी किसी की जानकारी नहीं है इस प्रकार की।